नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन यूफ्रेशिया के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूफ्रेशिया प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, जिसे हम कॉमनली आम भाषा में आई ब्राइट भी बोलते हैं। और आई ब्राइट से आप यूफ्रेशिया को याद रख सकते हैं। आईज़ के लिए, आँखों के लिए ये बहुत ही जानी मानी और प्राचीनतम दवा है। यूफ्रेशिया का पौधा बहुत ही कॉमन पौधा है और आपने भी कभी न कभी इसे देखा होगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये हमारे शरीर पर असर कहाँ पर करती है और क्या करती है इसका एक्शन। उसके बाद मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण बताऊंगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी बीमारी में यूफ्रेशिया का उपयोग कर सकते हैं और कैसे आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये हमारे शरीर पर असर कहाँ पर करती है और क्या करती है। यूफ्रेशिया बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है, मतलब आँखों में जो सूजन आ जाती है उसको ये ठीक करती है। बहुत ही अच्छी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, मतलब आँखों में जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया के कारण, कीटाणु और जीवाणु का जो इन्फेक्शन हो जाता है जिसके कारण आँख आ जाती है, तो वो बैक्टीरिया को मारती है, इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, इन्फ्लामेशन को ख़त्म करती है। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन से, जैसे कि नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन से बहुत ज़्यादा पानी, गाढ़ा पानी निकल रहा हो, नाक बह रही हो, तो इसे भी ये ठीक करती है। और ये आँखों के कंजेक्टाइवा में भी असर करती है, जो वाइट पोर्शन आपको दिख रहा है वहाँ पर भी असर करती है, और वहाँ पर अगर सूजन आ गई है, लालपन है, उसको ठीक करती है। तो दोस्तों, ये था यूफ्रेशिया का एक्शन। अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण की तरफ। तो जो यूफ्रेशिया का सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, वो है कि अगर आँख से पानी निकल रहा हो और पानी के साथ बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, आँख से आंसू निकल रहा हो और आंसू बहुत ज़्यादा जल रहा हो, एसिडिक जैसा हो, जलन के साथ हो, और साथ ही साथ नाक से भी पानी निकले लेकिन नाक का जो पानी है, जो नाक बह रही है, उसमें जलन ना हो, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है यूफ्रेशिया। इसी लक्षण का एक अपोजिट लक्षण भी होता है कि नाक से जलता हुआ पानी निकले, नाक बह रही हो और काफ़ी जलन हो नाक में, और आँख से पानी निकले लेकिन आँख में जलन ना हो, इसके लिए एक मेडिसिन है। और वो मेडिसिन का नाम आप मैसेज सेक्शन में मैसेज करिए। तो सिर बहुत तेज़ भारी हो जाए और सिर दर्द बहुत तेज़ हो और साथ ही साथ इतना तेज़ सिर दर्द हो कि आँख से पानी निकले, नाक से पानी निकले, और ख़ासकर अगर आप साइनोसाइटिस के पेशेंट हैं और साइनस के कारण आपको हेडेक हो रहा है, तो यूफ्रेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। तो सिर से चलते हैं नाक की तरफ। तो अगर नाक से बहुत पानी निकल रहा है और बिल्कुल बह रही है नाक, कुराइजा की प्रॉब्लम है, तो यूफ्रेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। नाक से चलते हैं आँख की तरफ, और आँख सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आँख आ गई हो, आपको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, आपकी आँख लाल पड़ी हुई है और पानी निकल रहा है आँख से, लगातार आंसू निकल रहे हैं आँख से और आंसू निकलना बंद नहीं हो रहे हैं, आंसू निकलते ही जा रहे हैं दोस्तों, आँख के आंसू के साथ साथ आपकी नाक भी बह रही है, आँख इतनी ज़्यादा आ जाती है, आँख में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है कि जो आपकी पलकें हैं वहाँ तक आपको जलन होती है बहुत ज़्यादा, और पलकें भी सूज जाती हैं, तो यूफ्रेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो आँखें इतनी ज़्यादा आ गई हैं, आँखों में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है कि आँखें जलन कर रही हैं और साथ ही साथ आँखों में प्रेशर महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस हो रहा है, तो यूफ्रेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, रूमेटाइड अर्थराइटिस के कारण अगर आपकी आँखों में प्रॉब्लम होने लगी है, तो यूफ्रेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अगर आपके आँखों में एलर्जी की समस्या है और आँखों से पानी हमेशा निकलता है, आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली है, आँख लाल पड़ी हुई है, तो यूफ्रेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और साथ ही साथ अगर टोसिस की प्रॉब्लम है, तो यूफ्रेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है टोसिस के लिए भी। टोसिस में जैल्सीमियम भी इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अब चलते हैं त्वचा की तरफ। तो दोस्तों, यूफ्रेशिया मीजल्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर मीजल्स में, आँखों में प्रॉब्लम हो रही है और साथ ही साथ मीजल्स आ गए हैं,
तो बच्चों के लिए यूफ्रेशिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो लास्ट में मॉर्बिडिटीज की, यूफ्रेशिया के सिम्टम्स कब बढ़ते हैं और कब घटते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आँख के सिम्टम्स बाहर जाने से बढ़ जाते हैं, जब आँखों में ठंडी हवा लगती है तो आँख की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, या जब आप ठंडी में इवनिंग टाइम में बाहर टहलते हैं तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो यूफ्रेशिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और दोस्तों, अगर कॉफ़ी पीने से आपकी प्रॉब्लम कम होती है, गर्म चाय पीने से आँख की प्रॉब्लम कम होती है। अब चलते हैं कि आप कौन कौन सी बीमारी में यूफ्रेशिया का उपयोग कर सकते हैं, किस पोटेंसी में, कैसे आप इसका उपयोग करें। तो सबसे पहले आँख से ही बात करते हैं। अगर आपको एक्यूट कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, आँख आ गई है, आँख लाल है, बहुत ज़्यादा आँखों से पानी गिर रहा है और आंसू खूब निकल रहे हैं, जब आप सुबह उठते हैं तो आंखें बहुत ज़्यादा किचरा जाती हैं, कीचड़ बहुत ज़्यादा आता है, बंद हो जाती है, तो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के लिए आप यूफ्रेशिया दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो यूफ्रेशिया पी भी सकते हैं, और यूफ्रेशिया आई ड्रॉप्स आते हैं होम्योपैथी के, उसे आप डाल भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पीने का तरीका बताऊंगा। यूफ्रेशिया आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। मैं यहाँ पर पिक्चर लगाता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। यूफ्रेशिया 30 आप एक बूंद डायरेक्टली टंग में डालें और इसे आप दो दो घंटे में रिपीट करें 5 दिन तक, और उसके बाद 5 दिन बाद आप एक बूंद डायरेक्टली टंग में डालें, एक या दो बूंद, और उसे आप दिन में 3 बार लें 5 दिन और आपकी एक्यूट कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब चलते हैं कि यूफ्रेशिया आई ड्रॉप आप कैसे डाल सकते हैं। दोस्तों, यूफ्रेशिया आई ड्रॉप बहुत सारी होम्योपैथिक कंपनियां बनाती हैं। मैं यहाँ पर SBL की जो यूफ्रेशिया आई ड्रॉप आती है उसकी पिक्चर लगा देता हूँ। इसे आप 2 बूंद आँखों में डालें और दिन में 3 से 4 बार आँखों में डालें। इससे बहुत जल्दी आँखें ठीक हो जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब चलते हैं क्रॉनिक कंजक्टिवाइटिस, मतलब आपको 3-4 महीने से प्रॉब्लम है और थोड़ा सा आंखें हमेशा लाल रहती हैं, पानी सा निकल रहा है, हल्का सा कंजक्टिवाइटिस हमेशा बना हुआ है, तो यूफ्रेशिया 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्टली टंग में पिएँ, और यूफ्रेशिया आई ड्रॉप 2 बूंद आँखों में डालें दिन में 2 बार सुबह शाम। ये मेडिसिन 2 महीने तक यूज़ करें। दोस्तों, अब चलते हैं कि अगर आपकी आँखों में एलर्जी की प्रॉब्लम है, हालांकि आई एलर्जी पे मेरा वीडियो है तो ज़रूर आप देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी देता हूँ। तो आई एलर्जी की प्रॉब्लम है तो यूफ्रेशिया ऑफिस एनालिस 30 2 बूंद दिन में 3 बार पिएँ, और यूफ्रेशिया ऑफिस एनालिस आई ड्रॉप 2 बूंद आँखों में दिन में 2 बार डालें। ये मेडिसिन लगभग 3 महीने तक यूज़ करिएगा, आपकी आई एलर्जी की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। चलते हैं कि अगर आपकी आईलिड्स में इन्फेक्शन हो गया है या आँखों की कोई और प्रॉब्लम है या टोसिस की प्रॉब्लम है, तो यूफ्रेशिया ऑफिस एनालिस 30 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप पिए, और साथ में यूफ्रेशिया ऑफिस एनालिस आई ड्रॉप आँखों में डालें दिन में 2 बार सुबह शाम। इससे धीरे धीरे आपकी आँखों की प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। अगर मीजल्स की प्रॉब्लम है बच्चे को और मीजल्स के साथ साथ आंखें भी आ गई हैं, तो यूफ्रेशिया ऑफिस एनालिस 30 1 बूंद दिन में 3 से 4 बार दीजिए। बच्चे को मीजल्स भी ठीक हो जाएगा और आंखें जो आई हुई हैं, आंखें लाल हैं, पानी निकल रहा है, तो वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। यूफ्रेशिया आई ड्रॉप और यूफ्रेशिया ऑफिस एनालिस 30 होम्योपैथिक शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसे आप आँखों की प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करिए और सर्दी के लिए यूज़ करिए, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिखे तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखे तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिखे तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।